जिस तरह थोड़ी सी दवा भयंकर रोग को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्टों और दुखों को नाश कर देती है। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। आप गैरों की बात करते हो, हमें तो अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने तो फूलों से मार खाए हैं। याद रखना साहब, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे दिया जलाने के बाद माचिस की तिल्ली फेंक दी जाती है। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी घटिया इंसान से पीछा छूटा। मुझे जिंदगी की सच्चाई का तब पता चला जब रास्ते में पड़े फूल ने मुझसे कहा, दूसरों को खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। नाजुक वक्त है, ना रखना किसी से बैर, हो सके तो हाथ जोड़कर ईश्वर से मांगना सबकी खैर। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वो अनपढ़ के बराबर होता है। पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। औरत के रोने से उसके दुख दर्द को नापा जा सकता है, किंतु मर्द की मुस्कान से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो नाप सकी हो जिंदगी में कितने घाव खा के बैठा है। जब किसी की 99 अच्छाइयों को छोड़कर एक बुराई पर ताने मारो, तो अगली दफा तुम उन 99 अच्छाइयों की भी उम्मीद मत करना। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं? सदा साथ रहिए, कोशिश करें कि परिवार कभी न टूटे। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। ईश्वर न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिस्ती बहुत बारीक है। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। जीत का तो पता नहीं, मगर मेरा महादेव बैठा है, हारने तो देगा नहीं। जिंदगी में कुछ फैसले कठिन होते हैं और यही फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।